हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वन क्रॉस वन कन्वोल्यूशन, या जिसे बोला जाता है नेटवर्क इन नेटवर्क। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। अगर इमेज में सिंगल चैनल है, यानी कि वो ग्रे स्केल की चैनल है, तो हमें कंप्यूटेशंस कम परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमें सिर्फ 9 कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ी थी सिंगल वैल्यू ऑफ फीचर मैप को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी हमारी कलर इमेज होती है इनपुट में, तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो जाते हैं 3। तो उस केस में अगर हम 3x3 फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो हमें कितने कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं 9 इसके लिए, 9 दूसरे चैनल के लिए और 9 तीसरे चैनल के लिए, यानी टोटल 27 कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं एक सिंगल वैल्यू ऑफ फीचर मैप को कैलकुलेट करने के लिए। अगर इमेज कलर्ड होती है तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो कंप्यूटेशंस ज़्यादा परफॉर्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर इमेज जो है वो वन चैनल की है, यानी कि ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट इमेज है। तो लेकिन नॉर्मली तो कलर्ड इमेजेस यूज़ की जाती हैं, तो अगर कलर्ड इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कंप्यूटेशंस ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमें कम कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़े ड्यूरिंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ 1x1 कन्वोल्यूशन नेटवर्क, या जिसे कहते हैं नेटवर्क इन नेटवर्क। हमने देखा था कि इनपुट इमेज में तो 3 नंबर ऑफ चैनल्स थे, लेकिन कन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई होते होते सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई हुई तो इसके नंबर ऑफ चैनल 16 हो गए। तो नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ते ही जाते हैं जब हमारे पास कलर इमेज होती है और उस पर जब हम वेरियस फिल्टर्स को अप्लाई करते जाते हैं। तो इनिशियली तो उसमें 3 डेप्थ ही होती है, लेकिन कन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई होकर नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो जिसके अगर सपोज करो डेप्थ 64 हो गई, जो इनपुट इमेज थी उसके पहले इनिशियली 3 चैनल्स थे, फिर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होते होते वो 64 हो गई उसकी डेप्थ। तो 3x3 फिल्टर विल बी अप्लाइड इन 3x3x64 ब्लॉक्स। तो इस केस में ये जो 3x3 फिल्टर होगा उसे 64 ब्लॉक्स पे अप्लाई करना पड़ेगा टू क्रिएट ए सिंगल वैल्यू टू मेकअप द सिंगल आउटपुट फीचर मैप। ठीक है, तो इस 3x3 फिल्टर को हमें 64 ब्लॉक्स पे अप्लाई करना होगा एक सिंगल वैल्यू आउटपुट फीचर मैप की जनरेट करने के लिए। कितने सारे कैलकुलेशंस हो गए, 3x3x64। जब यहाँ पर 3 चैनल्स थे, डेप्थ 3 थी, तो हमें 3x3x3 27 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे थे, 27 कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ रही थी सिंगल वैल्यू को जनरेट करने के लिए। यहाँ पर हमें कितनी जनरेट करनी पड़ेगी, 3x3x64। तो कंप्यूटेशंस बढ़ रही हैं जब भी नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज होते जाएंगे फीचर मैप में या आउटपुट ऑफ कन्वोल्यूशन लेयर में। तो व्हेन द डेप्थ ऑफ द नेटवर्क इंक्रीजेस, द डेप्थ ऑफ द इनपुट और नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज्ड इन कन्वोल्यूशनल लेयर्स ऑफन इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिजल्टिंग फीचर मैप। अगर हमारा जो नेटवर्क है वो डीप है, यानी उसमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स जब इनपुट इमेज पे अप्लाई होंगी तो डेप्थ ऑफ इनपुट या कह सकते हो नंबर ऑफ फिल्टर्स जो होंगे कन्वोल्यूशन लेयर में वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ फीचर मैप्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा फिल्टर्स उतने ज़्यादा फीचर मैप्स बनते हैं, क्योंकि फीचर मैप्स किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ फिल्टर्स पर। जितने नंबर ऑफ़ फिल्टर्स होते हैं उतने ही फीचर मैप भी होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फिल्टर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स बढ़ते हैं तो डेप्थ इंक्रीज होती जाती है इनपुट इमेज की। ये देखा था कि ये पहले 3x3 चैनल्स थे, फिर 10 हो गए, फिर 10 से 27 हो गए। साइज ऑफ इनपुट इमेज आप कह सकते हो कि क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे ही हम डेप्थ ऑफ नेटवर्क इंक्रीज करते हैं, हमें नंबर ऑफ़ फिल्टर्स बढ़ाने पड़ते हैं, और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो फीचर मैप्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ फीचर मैप्स इन ए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कैन कॉज ए प्रॉब्लम एज ए कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म डाउन थ्रू द डेप्थ ऑफ द इनपुट। अगर लार्ज नंबर ऑफ फीचर मैप्स हो जाते हैं कन्वोल्यूशन नेटवर्क में, तो क्या कन्वोल्यूशन ऑपरेशन भी हमें डेप्थ ऑफ द इनपुट तक अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेप्थ ऑफ इनपुट 64 हो गई तो हमें 3x और फिल्टर हमारा 3x3 का था, 64 चैनल्स तक ये अप्लाई होगा। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी
यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को उतनी डेप्थ में ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को ड्यूरिंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। इफ़ द साइज ऑफ फिल्टर इज रिलेटिवली लार्ज लाइक्स 5x5 और 7x7 पिक्सल्स, इट कैन रिजल्ट इन कंसिडरेबली मोर पैरामीटर्स और वेट्स विच रिक्वायर लार्ज कंप्यूटेशंस टू परफॉर्म द कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। तो अगर साइज ऑफ फिल्टर हम 3x3 नहीं लेके 5x5 या 7x7 टाइप साइज के फिल्टर्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, फिल्टर के अंदर पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे और हमें ज़्यादा कंप्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ड्यूरिंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, क्योंकि फ़िल्टर के अंदर वेट्स पैरामीटर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर 25 पैरामीटर्स हो जाएंगे अगर आप फिल्टर ले रहे हो 5x5 का, अगर आप 7x7 का फिल्टर ले रहे हो तो 49 पैरामीटर्स होंगे और इन सारे पैरामीटर्स को हमें इनपुट इमेज पे अप्लाई करना होगा उनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हमें लार्ज कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए। कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग लेयर्स रिड्यूस द हाइट एंड विड्थ ऑफ द फीचर मैप लीविंग द डेप्थ, दैट मीन्स नंबर ऑफ चैनल्स और नंबर ऑफ फिल्टर्स अनचेंज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कन्वोल्यूशन लेयर और पूलिंग लेयर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ हाइट और विड्थ चेंज होती है फीचर मैप की, उसकी डेप्थ नहीं होती है। जब हमारा फर्स्ट कन्वोल्यूशन अप्लाई हुआ 30x32x3 इनपुट इमेज पे विथ द हेल्प ऑफ 5x5 फिल्टर, ये जो विड्थ और हाइट थी ये 32 से क्या हो गई 28x28 यानी विड्थ और हाइट रिड्यूस हो गई, लेकिन नंबर ऑफ फीचर मैप्स तो बढ़ गए। यहाँ पर 3 थे क्योंकि 6 फिल्टर्स यूज हुए तो ये इंक्रीज हो गई, डेप्थ ऑफ दी फीचर मैप इंक्रीज हो गई। डेप्थ ऑफ फीचर मैप तो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फिल्टर्स 6 थे, नंबर ऑफ फिल्टर्स 16 थे, नंबर ऑफ फिल्टर्स 6 जितने भी हैं उस पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि कन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर्स क्या करती हैं, हाइट एंड विड्थ ऑफ दी फीचर मैप को रिड्यूस कर देती है लेकिन उसकी डेप्थ को वैसा का वैसा ही रहने देती हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं। तो डेप्थ बढ़ रही है तो हमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम कंप्यूटेशंस भी ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। सो डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स रिक्वायर ए लेयर दैट कैन डाउन सैंपल और रिड्यूस दी डेप्थ और नंबर ऑफ फीचर मैप्स। तो अगर हमारा कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो डीप है, उसमें नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा हैं, तो उस केस में इतनी सारी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको डाउन सैंपल करने के लिए एक लेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो डेप्थ और नंबर ऑफ फीचर मैप्स को रिड्यूस कर सके पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस को रिड्यूस करने के लिए हमें 1x1 कन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करना पड़ता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। तो यूज ए 1x1 फिल्टर टू डाउन सैंपल द डेप्थ और नंबर ऑफ फीचर मैप्स। तो फीचर मैप्स की डेप्थ को रिड्यूस करने के लिए हमें 1x1 का फिल्टर यूज करना पड़ता है। तो 1x1 कन्वोल्यूशन कैन बी यूज टू रिड्यूस ओनली द डेप्थ एज इट स्लाइस थ्रू द इनपुट वैल्यूज विथ जस्ट 1x1 यूनिट। तो 1x1 कन्वोल्यूशन जो है सिर्फ डेप्थ को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि अगर आपको हाइट और विड्थ रिड्यूस करनी है इनपुट इमेज की तो आपको कन्वोल्यूशन लेयर्स और मैक्स पूलिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डेप्थ रिड्यूस करनी है, अगर साथ साथ आपको डेप्थ भी रिड्यूस करनी है तो आपको कन्वोल्यूशन लेयर्स और मैक्स पूलिंग के साथ साथ आपको 1x1 कन्वोल्यूशन को भी अप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा डेप्थ ऑफ द इनपुट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। जो 1x1 कन्वोल्यूशन लेयर है वो सिर्फ इनपुट वैल्यूज को 1x1 यूनिट से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे अगर सपोज हमारी ग्रे स्केल है यानी ब्लैक एंड वाइट इमेज है जिसमें नंबर ऑफ चैनल्स 1 है, तो हमारी इनपुट जो इनपुट था वो था 3x3 का इंटू वन, क्योंकि नंबर ऑफ चैनल्स 1 है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है। जो हमारा फिल्टर है वो क्या है 1x1 का है। 1x1 कन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं 1x1 का फिल्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1x1 का फिल्टर, ये जब इस पर अप्लाई होगा तो ये कैसे अप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा। तो हमें वैल्यूज मिल गई 3, 6, 9। फिर सिमिलरली 3, 2 जा 6, 3, 1 जा 3, 3, 1 जा 3, फिर 3, 3 जा 9,
फिर 3 2 6 3 3 1 3। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फीचर जो मैप जो मिल गया उसकी साइज़ भी किसके इक्वल हो गई, इनपुट साइज़ के 3x3 का। तो अगर हम ग्रे स्केल इमेज पे जब 1x1 का फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, जितनी इनपुट की साइज़ है विड्थ और हाइट वो तो सेम रहेगी, और डेप्थ ऑफ द फीचर मैप किसके इक्वल होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ फिल्टर्स के ही इक्वल होगी। अब अगर हमारे पास 3x3 की इमेज है जिसमें 32 चैनल्स हैं, तो कन्वल्यूशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। ये 1x1 कितने चैनल है डेप्थ में, 32, तो कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पर ये जो इनपुट इमेज है उसकी फर्स्ट ब्लॉक की जो वैल्यू होगी, फर्स्ट चैनल की जो वैल्यू होगी, वो इस 1x1 फिल्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकंड चैनल की फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर से हमें सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे कितने कंप्यूटेशंस परफॉर्म होंगे, 32 कंप्यूटेशंस, और फिर ये जो 32 वैल्यूज आएंगी इनको ऐड करके हमें सिंगल वैल्यू मिल जाएगी फीचर मैप की। अब अगेन क्या होगा, सेम प्रोसीजर सेकेंड वैल्यू पर अप्लाई होगा, तो सेकेंड में भी ऐसे 32 वैल्यूज़ जो हैं डेप्थ ऑफ द इनपुट उस पर एक एक करके ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 32 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और उनसे जो वैल्यूज़ मिलेंगी उन सबको ऐड करके हमें सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी फीचर मैप की। तो अब फीचर मैप जो जनरेट होगा उसकी साइज़ भी कितनी हो रही है, देखो 3x3, यहाँ पर 3x3 की इमेज थी, हमारे पास 3x3 की ही फीचर मैप बन रही है, यानी हाइट और विड्थ चेंज नहीं होगी इमेज की नहीं, लेकिन नंबर ऑफ फीचर मैप्स किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, नंबर ऑफ फीचर मैप्स पे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो इनपुट इमेज है उसमें 32 चैनल्स हैं, तो उस केस में हमारे पास जो 1x1 फिल्टर होगा उसकी डेप्थ को भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 32 लेना पड़ेगा। इस फिल्टर की भी डेप्थ कितनी होगी, 32 होगी, क्योंकि डेप्थ ऑफ द इनपुट कितनी है, 32। तो जो फिल्टर होगा 1x1 का उसकी डेप्थ भी कितनी होगी, 32। अब इसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होगा, फिल्टर की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट चैनल से मल्टीप्लाई होगी, एक वैल्यू हमें मिलेगी। फिर सेकंड चैनल जो होगा फिल्टर का उसकी फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेकंड चैनल ऑफ इनपुट इमेज। तो ऐसे करके हमें 32 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इन 32 वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा और हमें जो है ये सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये 1x1 फिल्टर जो है सेकंड वैल्यू पे अप्लाई होगा फर्स्ट चैनल की, फिर सेकंड चैनल की सेकंड वैल्यू पे अप्लाई होगा इमेज इनपुट इमेज की। इस टाइप से सभी चैनल्स की सेकंड वैल्यू पे फिल्टर अप्लाई होगा और हमें 32 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर हम उनको ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट सिंगल वैल्यू फीचर मैप की। इस टाइप से सभी चैनल्स की वैल्यूज़ पे अप्लाई होकर फिल्टर जो है फीचर मैप को जनरेट करेगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि यहाँ पर हमें कितने कैलकुलेशन सिर्फ परफॉर्म करने पड़े, यहाँ पर हमें सिंगल कंप्यूटेशन परफॉर्म करना पड़ा सिंगल वैल्यू ऑफ द फीचर मैप को जनरेट करने के लिए ग्रे स्केल में। और अगर ये 32 चैनल्स यानी ये कलर्ड इमेज थी जिसमें 32 चैनल्स हैं, तो हमें कितने कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़े, सिर्फ 32। लेकिन अगर ये 3x3 का फिल्टर होता है या होते तो हमें कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़े थे 3x3x32 करने पड़ते। अगर ये 5x5 का फिल्टर होता है तो 5x5x32 कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ते सिंगल वैल्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये 7x7 का होता है तो 7x7x32 एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करने के लिए इतने कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ते। तो क्योंकि आपने 1x1 फिल्टर का यूज़ किया है, तो उस केस में आपको सिर्फ कंप्यूटेशन सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कितने कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, जितनी डेप्थ ऑफ द चैनल है। अगर 32 है तो आपको 32 कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे सिंगल वैल्यू ऑफ द फीचर मैप को जनरेट करने के लिए। अगर 64 है तो 64, यानी कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम 1x1 कन्वल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इट सेव्स ऑन कंप्यूटेशन टास्क, इट एड्स नॉन लीनियरिटी, क्योंकि जो कन्वल्यूशन ऑपरेशन था वो लीनियर था, तो वो लीनियरिटी प्रोड्यूस कर रहा था इनपुट में, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये नॉन लीनियर ऑपरेशन है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियरिटी को ऐड करता है। इट अलाउज टू लर्न मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस,
और इसकी हेल्प से हम इनपुट इमेज के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी लर्न कर सकते हैं। इट जनरेट्स एन एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट अक्रॉस द डेप्थ स्लाइसेस थ्रू द इंटायर वॉल्यूम। तो ये क्या करता है, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करता है डेप्थ ऑफ द इंटायर इनपुट कह सकते हो, क्योंकि अगर इसकी डेप्थ 32 थी और फिल्टर की भी डेप्थ क्या होगी, 1x1 की 32 होगी, तो एलिमेंट वाइज क्यों, क्योंकि इसकी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फिल्टर मल्टीप्लाई हो रही है। ये इनपुट इमेज का चैनल है और ये फिल्टर का चैनल है, तो इनपुट इमेज के चैनल की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है फिल्टर के फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वैल्यू से, स्पॉनिंग सेकेंड चैनल की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड चैनल की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, फिर फोर्थ चैनल की होंगी, ऐसे 32 चैनल्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि यहाँ पर एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट अप्लाई होता है डेप्थ में। हुआ कि साइज ऑफ द इमेज तो वही रहेगी, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर 32 चैनल्स थे, हम चाहते हैं कि इस विड्थ को कम करना, तो आप फिल्टर्स यहाँ पर 32 तो यूज़ करोगे नहीं। नंबर ऑफ़ फिल्टर्स पे डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द फीचर मैप की, कितने फीचर मैप होंगे। तो अगर हमने सिर्फ 5 फिल्टर्स ही यूज़ किए हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 3x3x5। क्यों 5, क्योंकि नंबर ऑफ़ फिल्टर्स हमने 5 लिए हैं, तो फीचर मैप भी हमें 5 मिलेंगी। तो देखो इसकी डायमेंशन क्या थी, इसकी डेप्थ थी 32 चैनल्स, अब इसकी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कन्वोल्यूशनल की हेल्प से डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज रिड्यूस कर सकते हैं। साइज ऑफ विड्थ और हाइट तो सेम रहेगी, लेकिन डेप्थ जो है वो क्योंकि नंबर ऑफ़ फिल्टर्स पे डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जो होंगे वो लेसर ही होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ चैनल्स इन इनपुट इमेज, तो जिसकी वजह से जो है डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इनपुट इमेज थी 6x6x32, यहाँ पर 32 चैनल्स थे, तो अगर इस पर हमने 1x1x32 साइज का फिल्टर अप्लाई किया और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स 5 रखे, तो इसकी इमेज की साइज़ यानी जो फीचर मैप हमें प्रोड्यूस हुआ उसकी साइज़ क्या हो गई, 6x6x5। ठीक है, 6x6x5 मतलब ये 5 क्या है, नंबर ऑफ़ फिल्टर्स। तो यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशन रिड्यूस हो गई, इसकी डेप्थ रिड्यूस हो गई, इनपुट इमेज पहले 6x6x32 की थी, अब कितनी हो गई, 6x6x5 की, क्योंकि ये 5 बताता है नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स होंगे। तो इसीलिए कन्वोल्यूशन से बेनिफिट क्या हुआ, एक तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटेशंस भी रिड्यूस हो गई, और दूसरा डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज भी रिड्यूस हो गई। यूजफुल व्हेन लार्जर फिल्टर साइजेस आर यूज सच एज 5x5 एंड 7x7। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर लार्ज साइज ऑफ फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, 5x5 और 7x7 फिल्टर्स को यूज़ करना है इनपुट इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर इनपुट इमेज की डेप्थ ज़्यादा होगी, तो अगर हम इस पर ये वाले फिल्टर्स अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो पहले क्या किया जाता है, 1x1 कन्वोल्यूशन के थ्रू उसके डायमेंशंस, उसकी डेप्थ को कम कर दिया जाता है, और फिर ये वाले फिल्टर्स जो हैं अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कम कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़े। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली 6x6x32 पे अगर हम 5x5 क्रॉस 32 का फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो हमें बहुत सारी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले 6x6x32 पे 1x1x32 का कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो साइज़ ऑफ द इनपुट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और फिर अब हम इस पर अगर हम 5x5x5 का, अब यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा क्योंकि चैनल नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो अब इस पर अगर हम 5x5x5 का फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो हमें लेसर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऐसा करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं 5x5 फिल्टर को। तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले, अगर आप कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में अगर आपको लार्जर साइज़ के फिल्टर्स यूज़ करने हैं, जैसे 5x5 और 7x7 साइज़ के फिल्टर्स, तो उनको अप्लाई करने से पहले हम 1x1 कन्वोल्यूशन नेटवर्क को अप्लाई करते हैं, या 1x1 साइज़ का फिल्टर अप्लाई करते हैं, जिससे जो डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज हो जाती है वो डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज रिड्यूस हो जाती है, और फिर उस पर हम लार्ज साइज़ के फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें लेसर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इट इज़ यूज फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर डायमेंशन रिड्यूस हो रहे हैं, पहले यहाँ पर 32 था डायमेंशन, डेप्थ 32 थी,
और अब 5 हो गई है। इट हैज़ बीन यूज्ड एज लॉट ऑफ मॉडर्न कन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन लाइक रेसनेट एंड इंसेप्शन मॉडल्स। तो 1x1 कन्वल्यूशनल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मॉडर्न कन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में, जैसे रेसनेट है, इंसेप्शन मॉडल है। इंसेप्शन मॉडल हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1x1 कन्वल्यूशन का उसमें कैसे यूज़ होता है डायमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कंप्यूटेशन फास्टर हो जाए। इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू श्रिंक द नंबर ऑफ चैनल्स कॉल्ड एज फीचर इन ट्रांसफॉर्मेशन। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस। तो 1x1 कन्वल्यूशन नेटवर्क कहाँ पर यूजफुल होते हैं? नंबर ऑफ चैनल्स ऑफ द इनपुट इमेज को रिड्यूस करने के लिए, जिसे कहा जाता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसकी वजह से लॉट्स ऑफ कंप्यूटेशन हमें कम करनी पड़ती है। अगर हम 1x1 कन्वल्यूशन नहीं अप्लाई करते इनपुट इमेज पे, जैसे हमने 3x3 वाला यूज़ किया है फिल्टर, तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, विड्थ और डायमेंशन चेंज हो रहा है, विड्थ और हाइट चेंज हो जा रही है इमेज की, और उसकी और नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हैं 10 है, तो ये 10 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि विड्थ और हाइट भी चेंज हो जा रही है इमेज की, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि जो इनपुट इमेज है वो एज इट इज़ रहे, 6x6 ही रहे, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाए। अगर यहाँ पर 32 है, अगर हम उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 10 फिल्टर्स हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यानी कि उसकी विड्थ और हाइट तो सेम रखना चाहते हैं हम, सिर्फ उसके चैनल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, जिससे जब उसमें 5x5 या 7x7 के फिल्टर्स, लार्ज साइज़ के फिल्टर्स अप्लाई होंगे, तो उस केस में हमें कंप्यूटेशंस कम परफॉर्म करने पड़े। तो कन्वल्यूशन जो है हाइट और विड्थ को तो चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ डेप्थ को रिड्यूस कर देता है।